नमस्ते स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मांसाहार के प्रति क्या विचार था? लोगों के अंदर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं इस विषय पर। लोग अलग अलग बातें करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ये कहते थे, वो कहते थे, ये चाहते थे, वो चाहते थे। तो आखिर स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे? आज इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद बंगाल मूल के थे, एक बंगाली थे और कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो उनका परिवार और बंगाली समुदाय, चूंकि वो शुरू से ही मांस का, मछली का वो लोग सेवन करते आए थे, तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शुरुआती दिनों में अपने परंपरा के रूप में मांस का, मछली का सेवन किया। और उनकी किशोरावस्था में या जब वो एक अनुयायी बने स्वामी रामकृष्ण के, तो उस दौरान भी वो मांस का और मछली का सेवन करते थे। हालांकि उनके जो गुरु थे वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे, पर जब धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद ने वो बाहर निकले, उन्होंने दुनिया को देखा, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जब उन्होंने एक तरीके से आत्मविश्लेषण किया, तो धीरे धीरे उनकी जो धारणाएं थी, उनके जो विचार थे वो बदलने लगे। हम सबके साथ ये होता है। आज से 10 साल पहले जो हमारी तमाम आदतें थी उसके प्रति हमारे अलग विचार थे, आज शायद विचार हमारे कुछ बदले हों। ऐसे तमाम चीजों के प्रति हमारे विचार बदलते रहते हैं जैसे जैसे हम नई चीजों का अनुभव करते रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही स्वामी विवेकानंद के शुरुआती दौर में, जब उन्हें स्वामी विवेकानंद नहीं कहा गया था, जब वो एक साधारण नरेंद्र थे, उस समय उनके विचार अलग थे। उस समय चूंकि वो मांस मछली का उन्होंने सेवन किया था और शायद वो उनके पसंदीदा आहार में भी था, तो उन्होंने कई बार इन तमाम चीजों का उन्होंने सपोर्ट भी किया। हल्के तौर पर उन्होंने मांसाहार खाने को जस्टिफाई भी किया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, संतत्व की ओर आगे बढ़े, जब उन्होंने शिकागो में अपना लेक्चर दिया, उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया में उन्होंने जाकर अलग अलग जगहों पर लेक्चर दिया, भारत को उन्होंने पूरा भ्रमण करके अलग अलग जगहों पर लेक्चर दिए, उसके बाद जब वो स्वामी विवेकानंद बने तो उनके विचार बदल गए थे। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं उनको अलग अलग पुस्तकों के रूप में संकलित किया गया है। रामकृष्ण मिशन ने अलग अलग किताबों के रूप में उसको संकलित किया है, जैसे कर्मयोग, प्रेम योग, राजयोग, ऐसी तमाम पुस्तकें हैं। तो प्रेम योग में जो उनके कुछ लेक्चर संकलित किए गए हैं, मैं उनकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाता हूं, फिर आप समझ पाएंगे कि जब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए तब उनके क्या विचार थे। तो स्वामी विवेकानंद अपने उन लेक्चर्स में कहते हैं कि दूसरों का प्राण लेकर हमें मांस की प्राप्ति होती है। हम तो क्षण मात्र के लिए स्वाद सुख पाते हैं, परंतु दूसरे जीवधारी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। समाज अपने लिए प्राणवध का काम एक विशेष वर्ग से करवाता है और उस वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखता है। इंग्लैंड में कोई भी कसाई न्यायाधीश नहीं बन सकता, क्योंकि कसाई स्वभाव से ही निर्दयी होता है, अतः वो न्याय नहीं कर सकता। वो लिखते हैं, पर भला उसे निर्दयी बनाया किसने? ये पंक्तियां स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स की हैं। उन्होंने एक जगह पर और कोट किया है रामानुजाचार्य को। उन्होंने लिखा है, श्री रामानुजाचार्य हमें आहार के 3 दोषों के बारे में बताते हैं। पहला जाति दोष, अर्थात आहार के स्वाभाविक गुण या किस्म की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी उत्तेजक वस्तुओं जैसे मांस का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव से ही अपवित्र वस्तु है। ये पंक्तियां स्वामी विवेकानंद की हैं, उनके जीवन के आखिरी कुछ वर्षों में जो उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए थे उनसे ली गई हैं। तो हम उस व्यक्ति को जो किशोरावस्था में था या बाल्यावस्था में था, जिसका नाम नरेंद्र था, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम युवा दिवस के रूप में उसका जन्मदिन नहीं मनाते हैं, बल्कि नरेंद्र जब स्वामी विवेकानंद बन गए तब उनके जो विचार थे, हम उन विचारों का पालन करते हैं, हम उन विचारों की सराहना करते हैं, और उस वजह से हम उन्हें स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और जब वो स्वामी विवेकानंद बन गए तब उनके ये विचार थे। उन्होंने साफ तौर पर मांसाहार है उसको छोड़ने को लोगों को कहा है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे एक निर्दोष प्राणी की हत्या होती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इससे समाज में भी अलगाव बढ़ता है। जो लोग फिर कत्ल करने का काम करते हैं जानवरों को, उनको घृणा की या हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनका जीवन भी जो है
वो बड़ा अच्छा नहीं होता है, कसाई का जीवन अच्छा नहीं होता है, वो तमाम तरीके के मनोविकारों से जूझता है। और इसके अलावा उन्होंने उसके आहार दोष के विषय में भी बताया है कि मांस जो है वो स्वभाव से ही एक अपवित्र वस्तु है, वो हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं है। तो ये विचार थे स्वामी विवेकानंद के। आपको ये जानकारियां कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को दूसरों को भी जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस विषय पर जागरूक हों और स्वामी विवेकानंद से इन तमाम बातों से प्रेरणा ले सकें। और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि धन्यवाद भी कमेंट में आप ही को देना है।